भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 नए केस आए सामने, 477 लोगों की मौत। दिग्विजय सिंह का गंभीर आरोप, धर्म को हथियार की तरह प्रयोग कर रही बीजेपी। चक्रवाती तूफान जवाद के मद्देनजर रेलवे ने 3 और 4 दिसंबर के लिए रद्द की 95 ट्रेनें। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गड़बड़ी, 65 में से 15 लोगों की निकालनी पड़ी आंख। ओमिक्रॉन को लेकर यूपी सरकार ने कसी कमर, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर होगी आरटीपीसीआर जांच। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो पुवारका गांव में माशा खुमबरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमित शाह और सीएम योगी दोनों विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में जिले के सभी अधिकारियों को तैनात किया गया है। मिशन बुंदेलखंड में महोबा पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा और सीएम योगी को चिलम वाली सरकार कह डाला। इस दौरान मंच से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव और उनके काम को याद करते हुए कहा कि जिस काम का चाचा पहले उद्घाटन कर चुके थे, उस काम का उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम योगी करने महोबा आए थे। इस दौरान अखिलेश यादव अपने पूरे भाषण में आक्रामक रुख दिखाए। ये चिलमजीवी लोग हैं, इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर योगी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं के आराध्य देव भगवान कृष्ण है, हिंदुओं के एजेंडे में मथुरा है, इसके लिए अगर उन्हें कोई भी बलि चढ़ानी पड़ी तो हम बलि चढ़ा देंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है कृष्ण भगवान, हम सबके भगवान थे और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है, ठीक है, उन्होंने सही कहा है बिल्कुल। वेब खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक रामकरण यादव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव रहे। इस कार्यक्रम में जनपद के सभी समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और स्वर्गीय रामकरण यादव को श्रद्धांजलि दी गई। अलीगढ़ में सहकारी समिति के सचिव किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। दलालों को समय से खाद देकर किसानों का उत्पीड़न करते हुए उन पर कैश लूटने तक का आरोप लगाए जाते हैं। समय से खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को जब सुबह से दोपहर तक भी नंबर नहीं आने की बात सचिव से पूछी गई तो सचिव ने किसानों को फटकारते हुए किसानों को बाहर निकाल दिया। पार्टी के लिए झगड़ा हो रहा है जी, खाद पात के लिए, और उसमें वो चोरी का इल्जाम लगा रहे अंदर जाने से। कौन लगा रहा था ये अध्यक्ष साहब?
अध्यक्ष जो सच्चे बोरी है सभी जो अंदर बैठे का सारे। अच्छा दिक्कत ये आ रही है जी, यहाँ पे पहले इन्होंने बताया कि 70 नाम ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, 70 में फिर कर लिए इनने 100, भीतर जा जाकर नाम अन्य लिखवा ले हैं जी, तो परेशानी उठ रही है पूरी। कब से लगे हुए आप लाइन में? हम यहाँ सुबह से खड़े हैं। कितने बजे से लगे? यहाँ खड़े है हम 8:30 बजे थे, हम सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ परेशानी खाद नहीं मिल रहा, खाद की बहुत किल्लत चल रही है। क्या बात है, खाद की क्यों परेशानी चल रही है? यहाँ सुबह नंबर मांगेंगे सबको, उसके बाद ये रजिस्टर है, यहाँ आवाज लगा रहे, उसी का नाम लेके आधा लेके जमीन लेके उसको भाग दे रहे। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद के पनेठी चौकी के गांव जल्लूपुर सीहोर में चोरों ने 8 साल से बंद पड़े मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर 2 लाख से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पड़ोसी ने जाकर देखा कि उनके पड़ोस के मकान का ताला बाहर से टूटा हुआ है, तो उन्होंने गांव के लोगों और पुलिस को इसकी सूचना दी। जब वो गाँव के लोगों के साथ अंदर गए तो वहां से कई सामान गायब मिले। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि उनमें अब पुलिस का भी कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। मामला फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला छक्का दलपत राय के युवक ध्रुव पांडे ने रोडवेज बस स्टैंड के सामने जर्नल सामान बिक्री की दुकान का उद्घाटन किया था, जिसके बाद पड़ोसी से दुकान का उद्घाटन करने को लेकर वाद विवाद हो गया। विवाद के बाद दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। पांडे भी आया था, 31 साल उम्र थी, सानो अजय कुमार पांडे है, छत्ता दयाल राय फरुखाबाद का निवासी है, और बस स्टैंड पे जो लोग बता रहे हैं उसके छोटा वाला भाई उसको लेके आया था ब्रॉड भाई में, गोली चलने की बताई है, लेकिन अभी पुष्टि उसकी नहीं हो सकती है, अभी एक्सरे कराया जाएगा उसके बाद पता चलेगा, हालत गंभीर थी उसको सैफे रेफर कर दिया गया। ये रोडवेज के सामने अंकित पांडे की दुकान का आज उद्घाटन था, इसी उद्घाटन के बाद रात को करीब 11:30 बजे के लगभग कुछ अन्य व्यक्ति भी आए थे, जिनसे इनका विवाद हुआ और उस विवाद के क्रम में गोली चली है, जिसे ये घायल हो गए हैं। इन्हें यहाँ के राजकीय अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है, चिकित्सा इनकी हो रही है। हम लोगों द्वारा मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही जिन व्यक्तियों ने घटना कारित की है उनका पता लगाया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में नगर उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में संगठन के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री को आम जनमानस की दैनिक जरूरतों से जोड़ते हुए इसमें बढ़ाई जाने वाली GST की दरों को गलत फैसला बताया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये GST कपड़ा एवं फुटवियर में 5% से 12% तक प्रस्तावित कर दी गई है, जिसका हम सभी व्यापार मंडल ने पूरे उत्तर प्रदेश भर में आज हर जिले में मुख्यालयों में इसका एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी माध्यम से दिया गया है, क्योंकि ये हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। व्यक्ति को कपड़ा जूते चप्पल हर व्यक्ति को आवश्यकता है, जिसकी हम लोगों को चिंता करते हुए व्यापारी समाज ने इसका विरोध किया है एवं उनसे अनुरोध है कि इसको तत्काल कर पुनः वही पा उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।